गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप नी. दिस इज़ योर वैष्णवी मैम. हाउ आर यू गाइस? सो आज के वन क्वेश्चन कन्फर्म सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने टॉपिक लिया है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. प्रिपरेशन में हमारे बहुत सारे मेजर जो नेम रिएक्शंस हैं वो यहीं पे कवर्ड है. तो हम ये सारा जो है वो आज की वीडियो में सारा एक एक करके हम कवर करेंगे, राइट? सारे नेम रिएक्शंस प्लस कुछ क्रोमिक ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल क्रोमिक ऑक्साइड या साइड चेन क्लोरिनेशन, ये नेम रिएक्शन नहीं है बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है. PYQ में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं तो हम सारा जो है वो एक एक करके कवर करेंगे और साथ में मैं आपको ट्रिक्स भी बताते जाऊँगी ताकि आपको ये याद रहे और एग्जाम में आपको यूजफुल रहे, राइट? तो ये आपको मैंने लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है तो एक एक करके आप देखते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रोजनमन डिडक्शन से. तो ये है रोजनमन डिडक्शन जहाँ पर हम बेंजोल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं, राइट? इसमें क्या होता है, हम बेंजोइल क्लोराइड लेंगे, ठीक है? बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, जब R ग्रुप जो है वो COCl के साथ हमारा जुड़ा हो, ठीक है, COCl फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हो उसको हम कहते हैं असाइल क्लोराइड. और अगर ये R ग्रुप जो है अगर वो C6H5 है, राइट, पर्टिकुलरली अगर ये R ग्रुप जो है वो C6H5 है उसको हम कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है? तो हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया इन प्रेजेंस ऑफ H2PDBASO4. ये पूरा क्या है हमारा, ये पूरा जो है वो इसको हम कहते हैं लिनलार्स कैटलिस्ट, ठीक है? तो बेंजोइल क्लोराइड लिया, लिनलार्स कैटलिस्ट के साथ हमने उसको रिएक्ट कराया तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा रिडक्शन होगा, ठीक है? लिनलार्स कैटलिस्ट जो है हम रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ग्रुप, ये वाला जो आपका बेंजोइल क्लोराइड वाला ग्रुप है ये जो है रिड्यूस होके आपको CHO ग्रुप जो है वो देगा, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम Cl हटा के हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर रहे हैं और यही होता है रिडक्शन. ऑर्गेनिक में मैं हमेशा बताती हूँ, ऑर्गेनिक में क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? अगर इन दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो आपका वो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, राइट? तो इधर देखो, क्लोरीन को हम हटा रहे हैं और हाइड्रोजन को जो है वो ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिनलार कैटलिस्ट. तो इसको हम कहते हैं रोजनमन रिडक्शन, राइट? तो ये था एक प्रिपरेशन ऑफ बेंजोल्डिहाइड. अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिक, इसका ट्रिक हम कैसे इसको याद कर सकते हैं. जब एक और बात, जब भी आपके नेम रिएक्शंस हो आपको क्या क्या याद करना है, एक तो आपको रिएक्टेंट पता होना चाहिए क्या कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको जो रिएजेंट यूज्ड है, ठीक है, जो आपका रिएजेंट होता है यहाँ पे एरो के ऊपर जो रिएजेंट होता है वो पता होना चाहिए और आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए. अगर आपको ये तीन पता है तो आपका नेम रिएक्शन जो है वो अपने आप याद हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए जो मैं ट्रिक्स बताऊँगी उनमें सब कुछ जो है वो इंक्लूड करने का पूरा ट्राई किया है तो उससे आप जो है वो जो हमारा नेम रिएक्शन है वो आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला ट्रिक है, यहाँ पे देख लो, बस आपको ये लाइन याद करनी है, ठीक है? इसको कहानी की तरह पढ़ लेते हैं. लिंडा ने रोज लिया, ठीक है, रोज की शॉप थी वहां से उसने रोज लिया और बेंजोइल को दिया, ठीक है, राइट? तो लिंडा एक लड़की है तो लिंडा नाम से आ गया आपका लिनलार्स कैटलिस्ट, ठीक है? लिनलार्स कैटलिस्ट क्या है, PDBASO4, ठीक है? तो लिंडा नाम से आ गया आपका लिनलार्स कैटलिस्ट, रोज से आ गया आपका रोजनमन रिडक्शन जो आपका नेम रिएक्शन का नाम है. लिया का ए ले लो, उसको हाईलाइट कर लो, वहां से आ गया आपका असाइल क्लोराइड, ठीक है, असाइल क्लोराइड RCOCl, राइट? और एंड बेंजोइल को दिया, बेंजोइल से आ गया आपका बेंजोल्डिहाइड, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बेंजोल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है? तो ये तीन, लिंडा, रोज और बेंजोइल, ये तीन अगर आपको एलिमेंट्स याद है तो आराम से आपका जो है वो ये रोजनमन रिडक्शन का पूरा प्रोसेस जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है? डन, रोजनमन रिडक्शन डन. नेक्स्ट अब देखते हैं स्टीफन रिडक्शन, ठीक है? अगेन ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है, यहाँ पे हम ध्यान रखना एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम नाइट्राइल कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, RCN कंपाउंड, राइट? उसमें हम रिएजेंट लेंगे SnHCl और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है? और ये क्या है, ये इन मेटल इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये जो होता है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है. मेटल जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है. अगेन यहाँ पे रिडक्शन ही होगा, यहाँ पे आपका ये वाला ग्रुप जो है वो रिड्यूस होके हम यहाँ पे HO जो है वो डाल देंगे, ठीक है? यहाँ पे भी आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो होगा, ठीक है? उसी को हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस, राइट? तो यहाँ पे देखो, अगर आपने RCN लिया तो आपका RCHO बना, आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड बनेगा. अगर आपने एरोमेटिक CN लिया, बेंजाइल नाइट्राइल लिया, ठीक है, यहाँ से आपने अगर आपने स्टीफन रिडक्शन कराया तो आपका बेंजोइल्डिहाइड बन जाएगा. तो दोनों जो है यहाँ पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो
ये था आपका स्टीफन रिडक्शन. अगेन ये आपका नेम रिएक्शन है. अब इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने अगेन आपको ट्रिक दिया है. अगेन इसको एक कहानी की तरह पढ़ते हैं. तो स्टीफन, राइट, स्टीफन रैंचो से एसिड और वाटर लेकर आ, ठीक है. तो क्या हुआ, एक आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे हो, और एक प्रोफेसर है वहाँ पे. प्रोफेसर ने बोला स्टीफन को, ठीक है, रैंचो से, रैंचो कौन है, रैंचो आपका लैब असिस्टेंट है, ठीक है. तो प्रोफेसर ने बोला स्टीफन को रैंचो से एसिड और वाटर लेकर आ, ठीक है. ये आपको याद करना है. और ये मैंने सारे पिक्चर्स फॉर्म में भी दे रखा है. ये आपका स्टीफन है, ठीक है, ये रैंचो है, ये आपका एसिड है. एसिड क्या है, हमने HCl यूज़ किया है, ठीक है. यहाँ पे देखो HCl हमने यूज़ किया है, राइट. तो HCl और वाटर, ठीक है, ये थे आपके मेन एलिमेंट. अब एक एक करके बढ़ते हैं. स्टीफन नाम से आ गया आपका स्टीफन रिडक्शन, और इसमें आप SN भी कर सकते हो. देखो यहाँ पे स्टीफन का S और लास्ट में N, इसको हाईलाइट कर लो. यहाँ से आ गया आपका SN, ठीक है, या SN या SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl भी यूज़ कर सकते हैं, या SNCl2 डायरेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. फिर रैंचो से आ गया आपका, रैंचो में R, N और C, इन तीनों को हाईलाइट कर लो, R, N, C, ठीक है. ये आपका है आइसोनाइट्राइल, बट हमें क्या चाहिए, नाइट्राइल. तो हम क्या करेंगे, RCN बना लो, ठीक है, RNC, रैंचो से आपका आ गया नाइट्राइल कंपाउंड, ठीक है. फिर एसिड से आ गया आपका HCl, हम HCl यूज़ कर रहे हैं, और वाटर से आ गया आपका वाटर, H2O, क्योंकि लास्ट में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है. तो स्टीफन रैंचो से एसिड और वाटर लेकर आ, ठीक है. तो ये था आपका ट्रिक. तो ये था आपका स्टीफन रिडक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, राइट, डन. अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका गेटमैन कॉच रिएक्शन. अगेन यहाँ पे हम ध्यान रखना है, यहाँ पे हम सिर्फ बेंजल्डिहाइड ही हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है. क्यों, क्योंकि हम बेंजीन से स्टार्ट कर रहे हैं, बेंजीन से हम बेंजल्डिहाइड ही बना सकते हैं, ओके. तो गेटमैन कॉच रिएक्शन में क्या होता है, हम बेंजीन लेते हैं, ठीक है, एंड उसको रिएक्ट कराते हैं CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है. ये आपका सॉल्वेंट की तरह काम करता है, राइट. तो CO, HCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 ये आपके रिएजेंट्स हो गए. तो रिएक्ट करके आपको क्या देगा, बेंजल्डिहाइड और HCl, ठीक है. HCl आपका बाय प्रोडक्ट है, ये आपको याद हो ना हो इट्स ओके, बट आपको ये याद होना चाहिए क्या आपका बन रहा है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है. बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाएंगे विथ CO, HCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ करके, ठीक है. अब अगेन इसका ट्रिक है, यहाँ पे आपको याद रखना है, इसके नाम से हम कर सकते हैं. देखो गेटमैन कोच रिएक्शन है, राइट, KOCH, राइट. अब इस कोच को क्या कर लोगे, आप कोच लिख दोगे, ठीक है. कौन सा कोच, आपके फुटबॉल कोच, ठीक है, या कोई सभी स्पोर्ट्स के जो कोच होते हैं, वॉलीबॉल कोच या कोई सभी कोच, ठीक है. ये वाला स्पेलिंग को ऐसे, कोच जो ओरिजिनल कोच होता है उसका स्पेलिंग भी लिख दो, ठीक है. तो ऐसे आप लिखोगे COACH, ठीक है, ऐसे लिख दिया. अब एक एक वर्ड से आपका एक एक हाईलाइट करो, ठीक है. तो कोच का जो CO है, वहाँ से आप क्या लोगे, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो आपका फर्स्ट रिएजेंट है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट रिएजेंट है. फिर कोच के बाद जो A है, वहाँ से आप लोगे एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है. ये आपका जो है रिएजेंट, ये आपका सॉल्वेंट जो मैंने बताया था, राइट. फिर लास्ट में जो H है, वहाँ से आपका आ गया HCl, राइट. तो क्या करना है, कोच को आप कोच की तरह लिख लो, जो आपके फुटबॉल कोच के जो होते हैं वो, ठीक है. यहाँ से आपका तीनों जो आपका रिएजेंट है, ये सारे जो है वो कवर हो गए, ठीक है. थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि गेटमैन कॉच रिएक्शन जो है वो बेंजीन से स्टार्ट होता है और आपका बेंजल्डिहाइड बनता है, ये आपको याद हो गया. बाकी जो आपके रिएजेंट है, ये याद करने का तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है. तो सारा आपका कवर हो गया यहाँ पे, राइट. तो आराम से गेटमैन कॉच रिएक्शन जो है वो हम याद कर सकते हैं, ठीक है. तो ये भी रिएक्शन हो गया. अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है. इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, अगेन यहाँ पे भी हम बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं, बट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम टाउलिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. टाउलिन से स्टार्ट किया. इटार्ड रिएक्शन में कौन क्या आपका रिएजेंट है, आपका जो मेन रिएजेंट है वो आपका होता है क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है. यहाँ पे देखो ये जो है, ये जो हाईलाइट है, यहाँ पे एक क्रोमाइल क्लोराइड है, CrO2Cl2, उसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CS2. यहाँ पे CS2 जो है आपका सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, ठीक है. तो टाउलिन जो है, एक बार क्रोमाइल क्लोराइड और CS2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका इंटरमीडिएट जो है बनेगा,
ठीक है। और अगेन ये इंटरमीडिएट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार बता देती हूँ, जब भी आपका इंटरमीडिएट या बाय प्रोडक्ट अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं उधर ही आपको हाईलाइट करवा देती हूँ ताकि आप उसको मिस ना करें, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है वो मोस्टली इंटरमीडिएट और बाय प्रोडक्ट को मिस कर देते हैं, मेन मेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को याद कर लेते हैं, इंटरमीडिएट और बाय प्रोडक्ट को मिस कर देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी वो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आ जाते, तो हमें मिस नहीं करना। तो और इटार्ड रिएक्शन में पर्टिकुलरली मिस नहीं करना क्योंकि डायरेक्ट एक पीवाईक्यू आ चुका है, राइट। तो इंटरमीडिएट के बेसिस पे क्वेश्चन आ चुका है तो हम इसको मिस नहीं करेंगे, इसको याद करेंगे, ठीक है। तो आपने टाउलिन लिया, क्रोमाइल क्लोराइड लिया, तो आपने ये इंटरमीडिएट बना। फिर इंटरमीडिएट को हम क्या करेंगे, हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, तो ये क्या होगा, ये वाला जो आपका बड़ा सा ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप जो है वो हटके आपका बन जाएगा CHO यहाँ पे, ठीक है। यही हमें बना था बेंजल्डिहाइड, ओके। तो ये था आपका इटार्ड रिएक्शन। अब इसमें दो बात, एक मैं बताती हूँ आप इंटरमीडिएट को कैसे याद कर सकते हैं, इतना बड़ा कंपाउंड देके बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, एक और मैं ट्रिक बताती हूँ आपे। तो क्या करना है आपको, टाउलिन, राइट, टाउलिन है तो पहले टाउलिन बना दो, राइट, ये आपका है टाउलिन। तो टाउलिन में से क्या करना है, दो हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है, दो CH है, राइट, दो हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पे बना दो एक ब्रैकेट, ओके। अब कार्बन की कितनी होती है, चार वैलेंसी होती है, ठीक है, हाँ, राइट, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, दो, चार वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे आप लगा दोगे दो, ठीक है, एक हाइड्रोजन, एक बेंजीन रिंग और यहाँ पे आएगा आपका दो, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में आपको क्या करना है, ब्रैकेट में ये जो आपका कंपाउंड है ना, ये वाला जो आपका क्रोमाइल क्लोराइड कंपाउंड है उसको एज इट इज उठाओ और यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे लगाओगे आप CrO2Cl2, ठीक है, एक बार ये लगा दिया। अब इसके साथ एक और बस हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, राइट। अब देखो इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो आपके सेम ही हैं, ठीक है, दोनों कंपाउंड्स सेम ही हैं, बस मैंने क्या किया है, मैंने बस थोड़े से एटम्स को रीअरेंज कर दिया, बट सेम ही कंपाउंड है, एटम्स जो है वो थोड़ा आपके रीअरेंज है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रोमाइल है, CR है, यहाँ पे भी आपका CR है, ठीक है, डन। अब यहाँ पे देखो, दो ऑक्सीजन, यहाँ पे भी आपके दो ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे आपके दो क्लोरीन, यहाँ पे भी आपके दो क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो ये दोनों कंपाउंड्स जो है आपके सेम है, बट यहाँ ऐसे इसको लेकर आप याद करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट इस मेथड से जैसे मैंने बताया कैसे बनाना है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका इंटरमीडिएट जो है वो आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इंटरमीडिएट याद करने का तरीका। अब इसका ट्रिक, नेम रिएक्शन है, राइट, तो इसका ट्रिक कैसे आप याद करोगे, इसमें आप कहानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आपको एक वर्ड याद करना है, क्या वर्ड है, ECC, ठीक है, ECC, तीन लेटर्स जो है वो आपको याद करना है, राइट, इटार्ड रिएक्शन के लिए तीन लेटर्स आपको याद करना है। तो इटार्ड रिएक्शन ECC, तो E से आपका आ गया इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन जो आपको याद करना है। फिर CC, ठीक है, C फर्स्ट वाले C से क्रोमाइल और सेकेंड वाले C से क्लोराइड, ठीक है, और थर्ड वाले C से, राइट, CH2, राइट। तो ये आ गया आपका ECC। तो फर्स्ट ई से आपका आ गया इटार्ड रिएक्शन, और सेकेंड से आ गया क्रोमाइल क्लोराइड, और थर्ड से आपका आ गया CH2, और यही थे आपके मेन, राइट। बस आपको ये याद करना है इटार्ड रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टाउलिन से स्टार्ट हो रहा है, और आपका क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड, ये आपको याद करना है। बाकी रिएजेंट्स के लिए मैंने ये वाला ट्रिक दे दिया, और इंटरमीडिएट का भी मैंने तरीका बता दिया कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो ये था आपका इटार्ड रिएक्शन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसीलिए हम इसको मिस नहीं करेंगे, अगेन और इंटरमीडिएट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है क्रोमिक ऑक्साइड मेथड, यहाँ भी हम टाउलिन यूज़ करते हैं, टाउलिन आपका रिएक्टेंट है, राइट। यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, हम क्रोमिक ऑक्साइड लेते हैं, राइट, यहाँ पे रिएजेंट क्या है, हम क्रोमिक ऑक्साइड लेंगे, ओके, और ये होता है आपका एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो क्या, और ये भी अगेन सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन में हमारा सॉल्वेंट क्या था, CH2, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये आपके टेम्परेचर कंडीशन है, टेम्परेचर कंडीशन को इग्नोर कर सकते हो, इट्स ओके, बट ये आपको याद करना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन, टाउलिन से स्टार्ट हो रहा है, और आपके रिएजेंट क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड और एसिड एनहाइड्राइड,
राइट। फिर अगेन आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, और इसको भी हम सेम मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, इंटरमीडिएट बना, फिर उसके बाद इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे। हाइड्रोलाइज करने पर ये पूरा ग्रुप जो है वो आपका हट जाता है और आपका जो है बेंजाल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। तो क्रोमिक ऑक्साइड से भी हम टाउलिन से बेंजाल्डिहाइड जो है रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं बता देती हूँ कैसे इंटरमीडिएट बनाओगे, सेम मेथड है। यहाँ पे भी आप पहले टाउलिन बनाओ, ठीक है, टाउलिन बनाया, अब इसमें से दो हाइड्रोजन हटा देना है, ठीक है। दो हाइड्रोजन हटाया, ब्रैकेट बना दो, ठीक है। अब इधर क्या करना है, उधर हमने क्रोमाइल क्लोराइड वाला कंपाउंड लिया और ब्रैकेट के अंदर डाला, इधर हम ये वाला कंपाउंड लेंगे, एसिड एनहाइड्रेट वाला कंपाउंड लेंगे और उसको हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, OCOCH3, दैट्स ऑल, बस ये वाला ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इस ब्रैकेट को भूल जाओ, ठीक है। इस ब्रैकेट को भूल के ये पूरा कंपाउंड जो है वो एज इट इज उठाओ और इस वाले ब्रैकेट के अंदर डाल दो और आपका इंटरमीडिएट जो है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। ये था आपका सिंपलेस्ट मेथड इंटरमीडिएट। ये कभी कभी बच्चे जो है वो भूल जाते हैं, राइट, मतलब कहाँ पे ऑक्सीजन डालना है, कहाँ पे कार्बन डालना है, वो भूल जाते हैं और उसकी वजह से इंटरमीडिएट गलत बना देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रिक बता दी कैसे आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्रोमिक ऑक्साइड मेथड। अब इसका कैसे हम याद कर सकते हैं ट्रिक, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको 3 लेटर याद करना है, क्या आपका 3 लेटर है, यहाँ पे ACO, ठीक है। 3 लेटर क्या है, ACNO, राइट। यहाँ पे आपके सारे रिएजेंट्स जो है कवर हो रहे हैं, ठीक है। क्या है, ए से आपका आ गया एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, फिर सी से आ गया आपका क्रोमिक और ओ से आ गया आपका ऑक्साइड, और ये क्या है आपका CrO3, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड, और ये था आपका एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो ये था आपका क्रोमिक ऑक्साइड मेथड, जहाँ से हम टाउलिन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। और अगेन ये इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट मेथड है साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टाउलिन। अगेन यहाँ पे भी हम टाउलिन यूज़ कर रहे हैं और बेंजाल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, हम क्लोरीनेशन कराएंगे, ठीक है। पहले हम क्लोरीनेशन कराएंगे, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फिर हमारा बेंजाल्डिहाइड जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, पहले हम टाउलिन लेंगे, फिर क्लोरीनेशन कराएंगे, ठीक है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNU, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम Cl2 HNU करते हैं, क्लोरीनेशन सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, बट कहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। बेंजीन रिंग जो है वो आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है क्लोरीन अटैच नहीं करेंगे, ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा, वो एल्केन चेन में जाएगा, और यहाँ पे आपका एल्केन चेन क्या है, टाउलिन CH3 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बस ये याद कर लेना, यहाँ पे बस आपको दो हाइड्रोजन हटाना है। अगेन यहाँ पे भी आप ये मेथड लगा सकते हो, जैसे मैंने बताया था, टाउलिन बना दो, ठीक है, टाउलिन बना दो पहले, फिर दो हाइड्रोजन हटाओ, और क्योंकि हम Cl2 यूज़ कर रहे हैं, तो Cl2 को ही एज इट इज उठा के यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे भी आप इंटरमीडिएट बेंजाइल क्लोराइड जो आपका बन रहा है, इसको भी अगर आपको याद नहीं हो रहा, अगर आपको कन्फ्यूजन है कितने क्लोरीन डाल रहे हैं, नंबर ऑफ क्लोरीन में आपको कन्फ्यूजन है, तो आप यही वाला मेथड जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड बन गया। अब इस क्या करना है, अब इस ग्रुप को हटाना है, तो हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो आपका अल्टीमेटली Cl2 हट के ऑक्सीजन आ जाएगा और आपका आ जाएगा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये जो लास्ट की 3 मेथड है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनाने का तरीका है वो सारा आपका सेम है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान करना है कौन सा कंपाउंड उठाना है और ब्रैकेट के अंदर डालना है, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आप आराम से जो है इंटरमीडिएट याद कर सकते हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और साथ में मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दिए, ठीक है। तो ये थे आपके मेजर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस एंड मोर इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है नेम रिएक्शन याद करने की, तो ये मैंने सारा कवर करके इस वीडियो में आपको दिया है, ठीक है। अब हम करते हैं 2 क्वेश्चंस। ये अगेन जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे 2021 का क्वेश्चन है, और ये क्या है, ये आपका इटार रिएक्शन है, ठीक है। ध्यान याद आ रहा है आपको, टाउलिन लिया इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड एंड CH2, ठीक है, ये आपका है इटार रिएक्शन। और देखो इन्होंने यहाँ पे, इन्होंने फाइनल प्रोडक्ट नहीं पूछा, यहाँ पे इन्होंने इंटरमीडिएट पूछा है, ठीक है। यही मैं बता रही थी, आपका इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एक और भी बताती हूँ कैसे बना सकते हैं इंटरमीडिएट। आपने क्या लिया, टाउलिन लिया, ठीक है, टाउलिन लिया, टाउलिन में से दो हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाने के बाद कौन सा कंपाउंड लेकर आना है, ये वाला कंपाउंड, क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो एसिड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, CrO2Cl2,
ठीक है, ये लगा दिया। फिर अब क्या करना था, मैंने बोला था एक और हाइड्रोजन लगा देना, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है कौन सा आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो आपका बीज है आपका मैच हो रहा है, देखो यहाँ पे भी देख सकते हैं आपका दो ऑक्सीजन, यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यहाँ पे सी आर, ठीक है। इन्होंने बस क्या किया, हाइड्रोजन को पहले लिख दिया, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन जो है बाद में आना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को पहले लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके एटम्स जो है, आपका फॉर्मूला जो है आपका आपका करेक्ट होना चाहिए, अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे Cl2 आ गया, यहाँ पे Cl2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया इंटरमीडिएट, ठीक है। अब ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, या मैंने जैसे पिछले साइड में बताया था वैसे बनाओ, सारे जो है वो आपके सेम ही है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे आप इंटरमीडिएट बना सकते हैं, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगेन इन्होंने क्या दिया है, टाउलिन दिया है और बोला है क्लोरीनेशन कराए। हाँ, ये अब क्या हो गया, ये आपका साइड चेन क्लोरीनेशन वाला लास्ट रिएक्शन जो हमने करा था वो वाला रिएक्शन है, ठीक है। अगेन इन्होंने प्रोडक्ट नहीं पूछा, इन्होंने इंटरमीडिएट जो है पूछा है, ठीक है। इसीलिए मैं बताती हूँ इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट है, अगेन यहाँ पे भी हम वही तरीका यूज़ कर सकते हैं। कैसे, क्या बनाना है हमें, टाउलिन पहले बनाना है, ठीक है। टाउलिन बना दिया, दो हाइड्रोजन हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या रिएजेंट है, आपका Cl2 रिएजेंट है, ठीक है। तो आपका Cl2 जो है वो एस्टिस आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका, तो क्या बनेगा यहाँ पे, CHCl2, इसको हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, इसको हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पे, सी ऑप्शन जो है वो आपका बेंजाइल क्लोराइड है, CHCl2। तो ये आपका इंटरमीडिएट है, राइट। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, एंड प्लीज़ डू शेयर अबाउट दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ कमेंट आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से टॉपिक के ऊपर कवर करना है, ताकि मैं उसका वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।